हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा ब्लेज एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्टेटस बार को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी स्टेटस बार के बारे में देने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले से इस तरीके से स्टेटस बार को ओपन कर लेना है। ये आपका स्टेटस बार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टेटस बार का फुल पेज ओपन करने के लिए आपको ये पेंसिल का ऑप्शन दिखाई देगा। पेंसिल का ऑप्शन आपको राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर या फिर स्क्रीन के टॉप पर आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। आपको पेंसिल के ऑप्शन पर टैप करना है तो आपका ये जो स्टेटस बार है ये आपका फुल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे और भी आइकन्स होते हैं जो आपको शो नहीं होते हैं सारे के सारे, ठीक है। जैसे कि कैलकुलेटर, टीवी मोड, ठीक है, यहाँ पर फोकस मोड, ये सभी के सभी जो है आइकन्स आपको स्टेटस बार में सभी के सभी शो नहीं होते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है कि आप जो है एक आइकन को उठाकर यानी कि दूसरी जगह पे रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा वाईफाई का आइकन है, ठीक है, ये मेरे वाईफाई का आइकन है। अब मैं जो है इसे दबाकर रखूंगा उंगली से, तो यहाँ से मैं पहले नंबर से उठा के इसे जो है यहाँ पे सीधा 9वें नंबर पे रख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आइकन को आप एक जगह से दूसरी जगह पे पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं नाइट लाइट का ये वाला मोड है, मैं इसे यहाँ से उंगली से दबा कर रखूँगा, इसे जो मैं ऊपर की साइड में रख देता हूँ, तो यहाँ पर ये नाइट लाइट का ये आइकन जो है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आप इस तरीके से जो है इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आइकन को एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। आइकन को अगर आप जो है जो आइकन आपके स्टेटस बार में शो होते हैं उनको आप हाइड भी कर सकते हैं। हाइड कैसे हो जाते हैं कि ये जो वाईफाई का आइकन है, अगर मैं यहाँ से इसे उंगली से दबा कर रखूँगा और इसे नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर जो है होल्ड एंड ड्रैग टू ऐड टाइटल, ये जो है इस ऑप्शन के नीचे ले आता हूँ कैटेगरी में, तो यहाँ पर मेरा जो वाईफाई का जो आइकन है ये हाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई का आइकन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इसे इस तरीके से सरकाता हूँ तो यहाँ पर भी जो है ये कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है वाईफाई का आइकन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो आइकन को एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं और आप जो है आइकन को इस तरीके से हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है अपने स्टेटस बार को रीसेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो रीसेट करने के लिए आप ये सबसे ऊपर देख सकते हैं ये 3 बटन का ऑप्शन, इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका जो ये रीसेट का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो स्टेटस बार है वो रीसेट भी हो जाता है, ठीक है। रीसेट होने से आपका सिर्फ जो है यहाँ पर स्टेटस बार रीसेट होगा, पूरा मोबाइल फ़ोन रीसेट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है रीसेट होने से होता क्या है, रीसेट करने से कि आपका जो ऐप आइकन्स जो भी आपने चेंजेस करे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो जो है अपनी अपनी जगह पे दोबारा से सेट हो जाते हैं। जो आपके फ़ोन की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो दोबारा से अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐप ये जो आइकन्स हैं, ठीक है, जैसे कि वाईफाई भी मेरा ये पहले नंबर पे आ गया, ठीक है। तो ये स्टेटस बार को इस तरीके से आप अपने लावा ब्लेज एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं।